बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी दूर तुम सिर्फ मुझसे मिलने आए हो अपना सारा काम छोड़ के। परमैन, अच्छा बताओ तुम्हारी कंधे का दर्द कैसा है अब? ओह, पहले से बेटर है। बस थोड़ा सा आराम करूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, फिर मैं भारी सामान उठा सकता हूँ। चलो अच्छी बात है। तुम इतनी दूर से सिर्फ मुझे देखने आए, मैं तुम्हें कहीं ले जाना चाहता हूँ। चलो आओ मेरे साथ परमैन। अरे तुम्हारा कंधा भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, मुझे कैसे ले जाओगे? इतना मत सोचो, चलो चलते हैं। वहाँ देखो, वाह, ये बहुत बढ़िया शॉपिंग मॉल है। सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तुम्हें क्या खाना है बेटे? डैडी मुझे वो चॉकलेट दिला दो प्लीज। देखो तुम्हें जो पसंद है तुम ऑर्डर कर सकते हो, यहाँ का खाना बहुत ही टेस्टी होता है। अच्छा, ग्रिल सैंडविच, बर्गर, क्या ऑर्डर करो? सब दो प्लेट टोफू नूडल्स प्लीज। नूडल्स? अरे लेकिन वो तो बहुत गर्म होते हैं, मुँह जल जाएगा। देखो ये गर्मा गर्म ही टेस्टी लगते हैं, जब वो सर्व करे तो जल्दी जल्दी खा लेना। ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो इस चोट की वजह से मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, असल में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी हेल्प तुम्हारी ड्यूटी में? ये लीजिए आपका ऑर्डर। क्या बात है, तुम तो कल से भी बहुत सुंदर लग रही हो। तारीफ के लिए शुक्रिया पायान। चलो पायान जल्दी से खा लो। पर बताओ ना तुम्हें हेल्प क्या चाहिए? अगर मैंने ये खा लिया तो मुझे हर हाल में तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। कुछ डिलीवरीज करनी है। तुमने फिर से पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया, अगर बर्डमैन को पता चल गया तो क्या होगा पता है? पर ये परमानेंट ड्यूटीज के अगेंस्ट नहीं है, मैं ये इसीलिए करता हूँ क्योंकि हमारी पावर से हम पार्सल्स बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं। इससे भी तो लोगों की मदद ही होती है ना। अगर तुम चाहो तो मैं अपने पैसे तुम्हें दे दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम पॉकेट मनी कमाना नहीं चाहते? पॉकेट मनी? मुझे तो कॉमिक्स खरीदनी होती है। तो फिर तुम ये काम करोगे ना? करूंगा, मैं लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। लोगों की हेल्प है? पर मैन पावर्स की मदद से ये पैसा कमाना चाहते हैं। इन्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता चलेगा, अभी देखता हूँ। देखो पहला पार्सल मिस्टर राठौर के यहाँ से लेकर मिस्टर चौहान को देना है और फिर मिस्टर राठी के यहाँ से मिस्टर अग्रवाल को देना है। ये रहे उनके एड्रेसेस। ओके, काम हो जाएगा। देखो कहीं भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर मेरा नाम खराब हुआ तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, समझे ना? डोंट वरी बॉस, काम हो जाएगा। अच्छे से काम करना। ओके, तो ये है कार्टर रोड, यहाँ से राइट जाना है जहाँ पर रहते हैं मिस्टर राठौर। अरे हाँ, अब यहाँ से लेफ्ट लेना है और फिर आ गया उनका घर। हेलो मिस्टर राठौर, ये आपका एक्सप्रेस कुरियर। अरे तुम तो अलग परमैन लग रहे हो। हाँ मैं भी पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। अच्छा, ये बात है, देखो ये टूटना नहीं चाहिए, समझ गए? ओके बाय बाय। देखो ये कहीं टूट ना जाए, ध्यान रखना। आप निश्चिंत रहिए। 6-7 यानी 7 नंबर ब्रिज से राइट लेना है और फिर सेकंड सिग्नल। अरे लेकिन यहाँ तो कोई सिग्नल दिखाई नहीं दे रहा, कहीं मैं गलत तो नहीं आ गया हूँ? हेलो, ये मिस्टर राठौर ने भेजा है। तुम तो पहले वाले पर मैं नहीं हो? वो कहीं और बिजी था इसलिए मैं आ गया। मुझे तो वही पसंद था। अगला एड्रेस है पोस्ट ऑफिस के राइट में। चलो ठीक है। सच कहूँ तो आज का दिन तो बहुत ही बुरा रहा। परमैन तुम वहाँ खाली क्यों बैठे? अरे बस थोड़ा सा आराम कर रहा था। मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ, अगर इस तरह टाइम पास करोगे तो एक भी पैसा नहीं दूंगा। अभी बहुत पार्सल्स बचे हुए हैं। ओह, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया। ओके, अब ये लास्ट पार्सल।
कोई है? मैं एक पार्सल ले आया हूँ, दरवाजा खोलिए प्लीज। कोई है? आपका पार्सल आया है। क्या बात है, कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? अरे अरे चिंता मत कीजिए, मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ। वो पायन है ना, वो आज बिजी था, इसलिए उसकी जगह मैं पार्सल लेकर आया। ये लीजिए आपका पार्सल, अब चलता हूँ मैं। ओके टाटा। हो गया रे, हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। घर के अंदर शूज क्यों पहने थे? अरे नहीं, क्या नहीं, वो चोर है। अरे अरे ये क्या हो गया मुझसे, ये क्या हो गया, ये क्या कर दिया तुमने? मैंने पहले ही कहा था कि मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए। परमैन अब गुस्सा मत करो, मैं उसकी पेनल्टी दे दूंगा। जानते हो उस पार्सल की कीमत 10 लाख थी। हाँ, 10 लाख रुपए। चलो चल कर उसे ढूंढते हैं। तुम्हें उसका चेहरा याद है? अच्छी तरह से, वो गंजा था और उसके गाल पर बड़ा सा मस्सा भी था। मैडम आप किसी ऐसे इंसान को जानती हैं? नहीं मैं नहीं जानती। इस आदमी को मैंने नहीं देखा। नहीं मैंने नहीं देखा, पर मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। क्या परमैन बनने के लिए स्पेशल स्टडी करनी पड़ती है? चलो दोबारा उसी जगह पर चलते हैं, जरूर वो बदमाश वहाँ आसपास ही होना चाहिए। हाँ ये ठीक रहेगा। पार्सल मिल गया। मिस्टर डॉन, देखो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। चलो बूबी पता करते हैं, हम दोनों को मिलकर इस बात का पता लगाना ही पड़ेगा। क्यों बूबी? अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम इस घर में वापस क्यों आए? दरअसल मैंने गलती से जलती हुई सिगरेट घर में छोड़ दी थी, इससे आग लग जाती और पूरा घर जल जाता। आयान चलो जल्दी से पुलिस को बुलाओ। नहीं नहीं रुको जरा। मेरे पास नौकरी नहीं है और मैं हफ्तों से भूखा हूँ। मैं तो बस खाना चुराने आया था, खिड़की खुली देखी और अंदर आ गया। मैं कोई चोर बदमाश नहीं हूँ। यानी कि तुम वो डॉन नहीं हो? जब मुझे खाना नहीं मिला तो यहाँ पड़ी सिगरेट जलाकर पीने लगा, बस यही गलती है। लेकिन तुमने मुझसे पार्सल लिया ही क्यों, बताओ बोलो। देखो मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये तुम्हें वापस कर देता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। अगर ये बात सच है तो क्या तुम मेरे लिए कुछ करना चाहोगे? हाँ, जरूर करना चाहूँगा। तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें पुलिस को नहीं सौंपूंगा। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए काम करो, बोलो क्या कहते हो? मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे ना? अगर काम करोगे तो तुम्हें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तैयार हूँ। तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। ये तो वाकई इसने अच्छा काम किया, मेरी तो आंखें भर आई। मैं तुम लोगों के काम आ सकूं इससे खुशी की बात और क्या होगी, पर मेरी भी एक शर्त है। और वो क्या है? मैं चाहता हूँ तुम अपना ज्यादा से ज्यादा काम मुझसे करवाओ, मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है ना? मुझे पूरा यकीन है कि तुम जो भी करोगे अच्छा करोगे। तुमने ये मौका देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। ओह नहीं नहीं, मैंने कोई एहसान नहीं किया है, ये तो मेरी ड्यूटी थी। पायल ने तो कमाल कर दिया, मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए था। तो परमैन जाने से पहले साथ में बैठकर कुछ खा पी लेते हैं। ये ठीक रहेगा, चलो चलते हैं। देखो जाने से पहले इतना समझ लो कि तुम्हारी पावर्स लोगों की मदद करने के लिए दी गई हैं, पर्सनल यूज के लिए नहीं। वैसे मुझे यकीन है कि तुम लोग इनका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, पर फिर भी याद रखना। क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है परमैन? जी अच्छे से। आयान तुम्हारा जवाब क्या है? मैं तो अपनी पावर जरूर यूज करूंगा। मैं तो मजाक कर रहा था।